हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बोर्ड क्रिकर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की हिंदी गोधूली के चैप्टर 5 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर का, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? तो 1935 को हुआ। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गाँव में। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, गुणाकर मूल्य जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? तो अपने गांव में ही हुई। गुणाकर मूल्य जी की शिक्षा किस भाषा में हुई? तो मराठी भाषा में। गुणाकर मूल्य जी ने मराठी भाषा में कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की? तो मिडिल स्तर तक। अगला देखिए, मिडिल स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे कहाँ चलेगा? वर्धा चलेगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, वर्धा में वे कितने वर्षों तक नौकरी किए? 2 वर्षों तक। अगला देखिए, गुणाकर मूल्य ने मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई कहाँ और किस विषय में की? तो गुणाकर मूल्य मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई कहाँ की है? तो इलाहाबाद में। और किस विषय में? तो गणित में। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, गुणाकर मूल्य जी की मृत्यु कब हुई? 2009 में। अगला देखिए, गुणाकर मूल्य जी ने कितने वर्षों में 30 पुस्तकों को प्रकाशित किया? मात्र 25 वर्षों में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुणाकर मूल्य जी की एक कौन सी पुस्तक है, मतलब चार आपको गुणाकर मूल्य जी के अलावा किसी अन्य के तीन पुस्तकों के नाम दिए होंगे और उसमें एक गुणाकर मूल्य जी का पुस्तक होगा ऑप्शन में, और पूछा जाएगा कि गुणाकर मूल्य जी की एक कौन सी पुस्तक है? तो उसका आंसर, सही उत्तर होगा अक्षर कटा। ठीक है दोस्तों, अक्षर का। इसके अलावा भी उनके जो भी रचनाएं बुक में दिए गए हैं उनको भी याद रख सकते हैं आप, क्योंकि अगर ये ऑप्शन नहीं रहा तो जो उन्होंने बुक लिखे हैं वो जरूर होंगे उसमें। तो चलिए अगला देखिए, गुणाकर मूल्य जी की पुस्तक किस कहानी से लिया गया है? तो भारतीय लिपि। ठीक है दोस्तों, भारतीय लिपि। अगला देखिए, बंगला लिपि नागरी लिपि की क्या है? वाहन है। बंगला लिपि नागरी लिपि की क्या है? वाहन है। अगला देखिए, नागरी लिपि का आरंभ कहाँ से हुई? तो दक्षिण भारत से। अगला देखिए, दक्षिण भारत में नागरी लिपि क्या कहलाती है? नंदी नागरी। दक्षिण भारत में नागरी लिपि क्या कहलाती है? नंदी नागरी। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि के लेख किस काल की लिपि है? तो गुप्त काल। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, दक्षिण भारत में नागरी लिपि के लेख किस सदी में मिलने लगे? तो 8वीं सदी में। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख किस सदी से मिलने लगे? 9वीं सदी से। अगला देखिए, मालवा में किस लिपि का इस्तेमाल होता है? तो नागरी लिपि के। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, किस नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना को नगर कहते हैं? तो पदताधिकम। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? नागर शैली। ठीक है दोस्तों, नागर शैली। अगला देखिए, गुप्तों की राजधानी का नाम क्या था? पटना। अगला, गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता था? देवनगर। ठीक है दोस्तों, देवनगर। ये विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो देव। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, विजयनगर के शासक ने अपने लेखों की लिपि का क्या कहा? तो नंदी नागरी कहा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, विजयनगर के राजाओं के लेख किस में मिलते हैं? तो कन्नड़ में, तेलुगु और नागरी लिपि में। कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखिए, राष्ट्रकूट शासन की नीति किसने डाली? तो दंती दुर्ग ने। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, राष्ट्रकूट शासन मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक के। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, राष्ट्रकूट शासक की मातृभाषा क्या थी? कन्नड़ थी। अगला देखिए, दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूट की गद्दी पर कौन बैठा? तो कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग के चाचा कृष्ण प्रथम। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, किसके शासनकाल में एलोरा में
पत्थरों को काटकर कैलाश मंदिर बनाया गया, तो कृष्ण द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, 9वीं सदी में अवध वंश के एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा कौन हुआ, तो कृष्ण द्वितीय। अगला देखिए, अवध वंश के शासन में जैन गणित महावीराचार्य ने किस संग्रह की रचना की, तो गणित सार, गणित सार। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ है, तो कर्नाटक प्रदेश के श्रवण बलगोल स्थान पर। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बलगोल स्थान पर किसका भव्य पुतला है, तो गोमटेश्वर का, गोमटेश्वर का। ठीक है दोस्त, तो अगला देखिए, श्री गंगराज ने क्या बनवाया, नहीं परकाटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, परकाटा बनवाया। बस दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही प्रश्न थे, तो चलिए वीडियो को इतना ही पे अंत करते हैं, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो भी बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं से संबंधित ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव या प्रश्न हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो तो ज़रूर देखते हैं बट शेयर नहीं करते हैं, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।